तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं पूरे मकबरे को दिखाते हुए फिरोज शाह तुगलक का जीवन आपके सामने रखूँगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1308 को हुआ। उसका शासन 1351 से 1388 तक रहा। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के जीवन के बारे में जानने से पहले आइए मैं आपको उसकी कब्र दिखा दूं। दोस्तों ये जो सामने तीन चार कब्र आप देख रहे हैं, इनमें से जो सेंटर में है बीच में, ये फिरोज शाह तुगलक की कब्र है और इसके साइड में उसकी बीवी की कब्र बताई जाती है, लेकिन अनुमानित है, पक्का नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर दो अन्य कब्रें और भी हैं, इनके बारे में भी कुछ ज़्यादा खास जानकारी नहीं है। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की ये कब्र देखकर आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट करके। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे काम किए। उनमें से कुछ काम है जैसे कि चांदी के सिक्के चलाना। वह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई हुआ करता था और एक अच्छा सिपा सालार भी हुआ करता था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 23 मार्च 1351 को फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा नामक एक स्थान पर किया गया। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिरोज शाह तुगलक का दो बार राज्याभिषेक हुआ। एक बार तो मैंने बता दिया 1351 में 23 मार्च को थट्टा नामक स्थान पर हुआ और दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में 1351 अगस्त के महीने में हुआ। दोस्तों दिल्ली में राज्याभिषेक होने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने जनता के जितने भी कर्ज थे सारे माफ कर दिए, जिसे सौंदरण ऋण भी कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसानों को जो कर्जा दिया गया था वो कर्जा भी फिरोज शाह तुगलक ने माफ कर दिया था। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए। उनमें से कुछ काम ये है, जैसे कि जब फिरोज शाह तुगलक राजगद्दी पर बैठा उस वक्त किसानों पर बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे, उनके सारे टैक्स माफ कर दिए गए। लगभग छोटे बड़े मिलाकर 23 ऐसे टैक्स जो किसानों का खून चूस रहे थे, मजदूरों का खून चूस रहे थे, आम इंसानों को जीने नहीं दे रहे थे, उनको समाप्त कर दिया। केवल 4 टैक्स वाजिब कर दिए, 4 टैक्स जिसमें खराज यानी कि लगान, खुम्स युद्ध में लूटा हुआ माल, जजिया एवं जकात जो इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% दिया जाता है। उस वक्त दोस्तों सिंचाई की बहुत ही बुरी व्यवस्था थी। फिरोज शाह तुगलक ने किसानों के लिए नए नए कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए और नहरों का एक जाल बिछाया ताकि किसानों के खेतों में पानी की कभी कमी ना रहे। दोस्तों आपको ये जानकर भी हैरानी होगी, फिरोज शाह तुगलक से पहले जो राजा हुआ करते थे वो किसानों से उनकी फसल का 1/10 भाग वसूला करते थे। फिरोज शाह तुगलक ने उनको घटाकर 1/5 कर दिया और फिर बाद में उसे 1/3 ही रहने दिया। दोस्तों शायद आपको ये मालूम नहीं है, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की थी। उनमें से मुख्य जो नगर थे उनमें से हिसार जो हरियाणा के अंदर है, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है, फतेहाबाद हरियाणा का एक जिला है, जौनपुर उत्तर प्रदेश का शहर है, फिरोजपुर पंजाब आदि प्रमुख नगर थे। इन नगरों में यमुना नदी के किनारे बसाया गया था। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक वैसे तो 13वीं शताब्दी का राजा था, लेकिन उसकी सोच आधुनिक थी। उसने जो जो कार्य किए उसे देखकर तो ऐसा ही लगता था। उसने बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर की एक स्थापना की थी, जिसमें जो बेरोजगार लोग थे वो वहाँ से रोजगार प्राप्त कर सकते थे। इसके अलावा अनाथ स्त्रियों, विधवाओं और उन लड़कियों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं होता था, उनके लिए दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना भी कर रखी थी। दोस्तों उसने दारुल सफा नामक एक अस्पताल भी बनवाया था, जहाँ पर गरीब लोग जाकर मुफ्त में अपना इलाज करवा सकते थे। दोस्तों इसके इतिहास बहुत ही बड़ा और बहुत ही रोचक है, इस वीडियो में बताना संभव नहीं है। फिलहाल मैं इसे यहीं पर ख़त्म करता हूं और फिर किसी अन्य वीडियो में आपको इसका पूरा इतिहास आपको बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।